वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल गाइज। मैं आप सभी लोगों की सुनने से पहले नए व्लॉग के साथ आपके सामने हूँ। तो बहुत टाइम के बाद मैं अपना ट्राईपॉड यूज कर रही हूँ। सो गाइज अभी टाइम हो रहा है 2 और क्या बोलते हैं खाना वाना बना दिया और आज मैंने बनाया कढ़ी चावल। तो रही की सब्जी वाला मिक्स बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, पहाड़ में अधिकतर लोग ऐसे बना के खाते हैं, तो आज मैंने भी बनाया है। और मैंने नहा धो दिया और आज मैंने कब से ये वाला सूट पहना है। और गाइज आजकल थोड़ा मौसम अच्छा हो गया, गर्म नहीं हो रहा है, फिर भी फैन रखा है। मैंने आप सभी लोगों को हैप्पी गांधी जयंती। तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत आप लोगों में से किस किस ने साफ़ सफाई करी और फॉर्म फिल करना था और हमें सर्टिफिकेट मिला था, तो आप लोगों को भी मिला, आपने भी फॉर्म फिल किया मुझे बताना। मैंने तो कर दिया और मुझे सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन मिल गया था। तो आज मैं ये वाला बेडशीट बिछाया, ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। और मैं एक वो लेके आने वाली थी पर्दा, लेकिन मैं भूल गई, कार्टून वाला लेके आने वाली थी, भूल गई। और जो Q&A भी आने वाली Q&A पार्ट 2, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन वैसे रह गए थे, तो थोड़ी देर के बाद बनाऊंगी मैं वीडियो। अभी मैं कर रही हूँ गाइज Q&A वीडियो रिकॉर्ड। और आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चन किए थे इंस्टाग्राम पे, मैंने पोल डाला था, तो उस दिन सिर्फ कुछ ही क्वेश्चनों के आंसर दे पाई। तो आज मैं सारे तो आज भी नहीं दे पाऊंगी गाइज, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो मेन क्वेश्चन के आंसर दूंगी और उनमें से मुझे बहुत सारे क्वेश्चन ये ना कि आप अपना इंट्रो दो करके, क्योंकि इंट्रोडक्शन वाली वीडियो मैंने पहले बना दी थी, शायद उसे ना 1 या 2 साल हो गए हैं। तो और लोगों में बहुत सारे कन्फ्यूजन है कि मेरा ससुराल मायका कहें हैं, क्योंकि इसी बीच मेरी शादी भी होगी। तो आज क्यों इन्हें वीडियो को रिकॉर्ड करती हूँ मैं, और उसके दूसरे दिन यानी कि कल आएगा गाइज इंट्रो वाला वीडियो, तो ज़रूर देखना। और फिर बहुत सारे लोग मुझे मेरे लहंगे का प्राइस, लंच का प्राइस, और मैंने मेकअप कहाँ से करवाया था, और फीडबैक देने मुझे कि कैसा लगा, क्या लगा करके, तो वो भी आते रहेंगे गाइज। और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है कि आप अपने कपड़े कहाँ से लाते हो करके, तो गाइज इस बारे में मैं बताना चाहूँगी। मैं ऑफलाइन भी कपड़े बहुत सारे लेती हूँ और ऑनलाइन भी लेती हूँ, लेकिन आजकल मैंने ऑनलाइन कम कर दिया है थोड़ा शादी के बाद, क्योंकि यहाँ पर जो भी मतलब हम लोग ऑर्डर करते हैं ना सामान, वो यहाँ पे नहीं पहुँच पाता, क्योंकि ये गाँव वाला एरिया है। तो जो कपड़े आते हैं मेरे हल्द्वानी आते हैं, और फिर हल्द्वानी से भी मंगाने का, सुबह सुबह गाड़ी वाले के हाथ भेजने का बहुत बवाला होता है, इसलिए आजकल मैं ऑफलाइन ही ज़्यादा करती हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँगी कि कौन से कपड़े मैं कहाँ से लेके आती हूँ और कितने के लेके आती हूँ करके। आप लोगों को मेरी ना पिंक वाली कुर्ती बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, और वो कुर्ती मैंने लिया था हल्द्वानी मेन मार्केट से, सिर्फ 200 या 300 पता नहीं कितने का। सो गाइज चलिए Q&A वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर मैं देती हूँ। वैसे मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मैंने कुछ बीच बीच में से उस दिन भी आंसर दिए थे ना, अगर किसी के क्वेश्चन के आंसर दोबारा आए होंगे तो कोई बात नहीं, और किसी के नहीं आए होंगे तो सॉरी गाइज, और जो लाइटिंग चमक रही है फेस पे। तो नैन्सी पाठक ने कमेंट किया कि दी शादी के बाद का एक्सपीरियंस कैसा है आपका। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है गाइज। तो शादी के 10 दिन बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया था ना, तो थोड़ा ऐसे मूड ख़राब हो गया था, ऑल ओवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे मतलब शादी के बाद। तो गाइज अब मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ फटाफट, और मैंने इतनी बार ब्लॉग बना दिया ना कि वो अच्छे से घूम नहीं पा रहा, और क्या बताऊँ वैसे इतना ही है। कुछ क्वेश्चन के आंसर मैं अभी छोड़ रही हूँ, उनके आंसर मैं इन फ्यूचर दूंगी। और बहुत सारे लोगों के कमेंट आए मुझे कि आप ब्लॉग बहुत अच्छा बनाते हो करके, तो थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं और मिनी ब्लॉग भी आप लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। और जिन्होंने अभी तक मिनी ब्लॉग नहीं देखा है मेरा, तो डेली मैं एक मिनी ब्लॉग डालती हूँ, तो गाइज देखा करो। दी आप कौन सी जगह गए हो गवर्नमेंट क्वार्टर में प्लेस करने में बताइए। तो मैं नहीं गई हूँ गाइज, वो मैं बस मजाक कर रही थी ऐसे ही। आजकल कहाँ हो दी आप। आजकल मैं वैसे हल्द्वानी थी जब मैंने ये पोल डाला था, बट अब मैं ससुराल आ गई हूँ। आप अपने हस्बैंड के साथ ही सिप्री क्यों नहीं हो रहे हो, बट आई लव योर ब्लॉग एंड यू बहुत। तो थैंक यू सो मच, तो कभी जाऊँगी इन फ्यूचर, मौका मिलेगा मुझे तो। और बहुत सारे क्वेश्चन गाइस सेम है, तो क्या बताऊँ। और बेबी प्लानिंग कब करो, ये क्वेश्चन इतने सारे आ रखे ना गाइज। मैं अभी खुद ही बेबी हूँ, तो क्या बेबी प्लानिंग करूँ यार, तो ऐसे क्वेश्चन मत करो। ऐसा इन फ्यूचर कभी भी होगा तो मैं आप लोगों को बता दूँगी। और मुझे सीरियसली मैं ऐसे क्वेश्चन पढ़ने में भी शर्म आती है और बोलने में भी शर्म आती है, वो तो मैं अभी अकेले हूँ ना तभी रिप्लाई। आपको कहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, ससुराल में या मायके में। बेस्ट चेष्टा, तो मुझे दोनों जगह अच्छा लगता है, लेकिन मुझे अभी नाचना ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मेरा बचपन वहीं बीते हैं गाइज। बहुत काम करते हो, घर का सारा काम किट्टी दीप, तो गाइज कर लेती हूँ थोड़ा बहुत जितना मेरे से हो पाते हैं।
जितना होता है ना उतना कर लेना चाहिए, काम करने में कोई काम चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग ससुराल में भी काम करते ही हैं, तो मायके में भी काम करते ही हैं, तो ससुराल में काम करने में क्या ही हर्जी गाइज, अगर हम लोगों को कुछ काम करना आता है तो। आपके ससुराल गाँव में ही रहते हैं क्या? कोरंगा G2, हाँ अभी गाँव में ही रहते हैं। और रेनू ने कमेंट किया कि सरकारी क्वार्टर में ही रहोगे अब आप? नहीं, आप गुरु के साथ ही रहोगे? नहीं, अभी तो नहीं। हिमा आपकी क्या लगती है? और हिमा पिपले और आपका गांव सेम है, आपका रिश्ता क्या है, कौन बड़ा है करके? तो हिमा और मैं एक ही गांव के, एक ही जगह के हैं, वो रिश्ते में मेरी दीदी लगती है, हम लोगों में ज़रा एज डिफरेंस नहीं है। और वो मेरी ताई जी की बेटी है, मतलब सगी ताई जी की बेटी है मेरी वो। और आप कोई जॉब करती हो क्या? अभी मैं कुछ भी जॉब नहीं करती हूँ, जब भी करूँगी बताऊँगी। अभी मैं बस व्लॉगिंग ही करती हूँ गाइज, और थोड़ा इंस्टा से प्रमोशन वगैरह वीडियो बनाती हूँ, और बस इतना ही है। आप बेबी प्लान कब कर रही हो गाइज? कितने बार पूछोगे सेम क्वेश्चन? आप अपने सास को क्यों नहीं ले गए अपने साथ? अभी तो मैं कहीं गई नहीं, तो कहाँ ले जाऊँ गाइज? ये उस दिन ऐसे मजाक किया था यार सर के साथ मैंने। नहीं, मुझे आपका साड़ी वाला लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो थैंक यू सो मच। नहीं, आप साड़ी के बाद जीन्स बहुत कम पहनती हो क्यों? तो जीन्स गाइज ऐसा होता है ना, जैसा देश वैसा भेज बोला जाता है पहाड़ी में, तो मुझे अभी गांव में ना सूट में मैं कंफर्टेबल होती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बड़े लोग भी आते हैं यहाँ, जो रिश्ते में मेरे से काफ़ी बड़े होंगे, अंकल लोग आते हैं, बुबू लोग आते हैं, ताऊ लोग आते हैं, तो दादा लोग आते हैं, तो थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए मैं घर में सूट ही पहनती हूँ। और नाश्ते में तो मैं कुछ नहीं लगता उधर, लेकिन ससुराल में थोड़ा अजीब टाइप पे लगते हैं। और बाकी मैं इधर उधर जाती हूँ तो हमेशा जीन्स ही पहनती हूँ। दी, आप बहुत क्यूट हो भारती। थैंक यू सो मच भारती। तो दी हांस ने कमेंट किया, मैं आपकी रोज़ वीडियो देखती हूँ, बहुत अच्छे बनाती हो और आप बहुत क्यूट हो, तो थैंक यू सो मच हिमांसी। दी, आप बहुत अच्छी हो, लव यू। दी, आप बहुत अच्छी हो, बहुत 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 थैंक यू मनीषा। और करीना रावत ने कमेंट किया कि दी आपके ब्लॉग का डेली इंतजार रहता है, थैंक यू सो मच गाइज करीना। ऑफिशियल प्रिया ने बोला कि मेरा नाम लेके ही बोलना प्रिया नेगी करके। मेरा क्वेश्चन है कि आप अपने हस्बैंड के साथ कहाँ जा रही हो? तो अभी मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं गई हूँ गाइज, इन फ्यूचर कभी मौका मिलेगा तो जाएंगे। और गुसैन 6725 ने कमेंट किया, माय फेवरेट कपल दी जीजू। तो थैंक यू सो मच कि हम लोग आपके फेवरेट है, किसी का फेवरेट होना भी बहुत बड़ी बात है गाइज। दी, शादी में विदाई के टाइम पर आपने क्राई किया होगा ना? इट्स ब्यूटिफुल 89। तो उतना नहीं किया, मतलब मैं रोई थी, लेकिन अब आप मेरी शादी की वीडियो आएंगे ना उसमें देख लेना गाइज। आप बहुत अच्छी हो निकिता सोन, थैंक यू निकिता। आप बहुत प्यारे हो, थैंक यू रावत जी। आपके यहाँ रखा हो गया मायके चलेगी सविता हुसैन ने? हाँ सर, मतलब धान वाला काम हो गया था, अब सूखा घास मीन्स मतलब गर्जू काटने वाला काम स्टार्ट होने वाला है। आप आगे स्टडी भी करोगे? दी, यू आर बेस्ट, थैंक यू सो मच सविता। आप बहुत अच्छे लग रहे हो शादी में, आपकी जोड़ी भगवान सलामत रखे, थैंक यू सो मच। ललिता 2913, थैंक यू सो मच इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए। दी, आप अपनी शादी में इतने सिंपल बने थे फिर भी इतने ज़्यादा क्यूट कैसे लग रहे थे? तो पता नहीं कैसी लग रही थी। रियली यू लुकिंग सो क्यूट एंड योर हस्बैंड बहुत आर लुकिंग मेड फॉर ईच अदर, थैंक यू सो मच पांडा 0122। जी, आप दोनों बहुत ज़्यादा क्यूट हो मेहरा जी, थैंक यू। आपके गांव का नाम क्या है? क्या आपकी लव मैरिज है? बहुत प्यारी जोड़ी है मनीषा बजवाल जी। तो मेरी लव मैरिज है, गांव का नाम मेरा रिंगोनिया जहाँ शादी हुई, और मेरे ससुराल वाले गांव का नाम है नाचनी, और बहुत प्यारी जोड़ी है। तो थैंक यू सो मच मनीषा जी। तो गाइज, इतने सारे क्वेश्चन इंट्रो के लिए आ रहे हैं, तो इसके लिए मैं आप लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं तो वो लोग कमेंट करें कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए करके, अपना परिचय दीजिए करके। तो ये ब्लॉग कल सुबह 8 बजे आएगा गाइज, तो आप पक्का देख लेना, और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना गाइज। आप बहुत अच्छे रील्स बनाती हो एंड बहुत क्यूट हो, थैंक यू सो मच बब्बी बड़ौनी। शीतल, आप शादी के दिन बहुत क्यूट लग रही थी, थैंक यू सो मच। किरण, आप मेरे फेवरेट ब्लॉगर में से एक हो। दी जिन पढ़े लिखे हो के भी क्या लिखे हैं, मुझे भी आप बहुत अच्छे लगते हो, आपके ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं और आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू सो मच नेगी जी। माय फेवरेट कपल, थैंक यू उर्मी, मैं आपके ब्लॉग यूपी से देखती हूँ, थैंक यू सो मच। सो बेस्ट कपल, आई एम बिग फैन फ्रॉम दिल्ली, थैंक यू सो मच। प्रियांशी दी, आप बहुत क्यूट हो, आज कल हल्द्वानी आई हो क्या? मैं हल्द्वानी आई थी बट अभी जोशी जी मैं गाँव आ गई हूँ। आप दिखावा नहीं करते हो, वरना कोई ब्लॉगर तो बस फेंकते बहुत हैं। शिवानी
दीपिका ने कमेंट किया, तो थैंक यू सो मच शिवानी। वैसे मैं सिंपल हूँ यार, क्या दिखावा करी, नॉर्मल इंसान है हम लोग भी, आप लोगों के से ही हम लोग आगे बढ़े हैं। और सौम्या आर्या का कमेंट की दी, आप इतने अच्छे रील कैसे बना लेती हो और आप अपनी खूबसूरती का राज बताओ। क्या खूबसूरत हूँ गाइज, कुछ भी खूबसूरत नहीं हूँ। थोड़ी बहुत मुझे भी पहले लगता था कि हाँ मैं चलो ठीक हूँ, रील में अच्छी आती हूँ करके, बट मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरा फेस ना चेंज हो गया, आप लोगों को लग ही रहा होगा। दी आपके ससुराल के कोई नहीं रहते हैं हल्द्वानी, क्या आप गांव में ही रहोगे या हल्द्वानी? ये शिल्पा ने कमेंट किया है, तो अभी हम लोग रहते हैं गांव में, मतलब ससुराल साइड के सभी लोग गांव में ही रहते हैं। पापा मेरे जॉब करते हैं दिल्ली में, तो पापा शायद मम्मी को पहले से दिल्ली आने के लिए बोलते हैं, लेकिन मम्मी जाती नहीं थी, मम्मी को गाँव में अच्छा लगता है तो यहीं रहते हैं हम लोग। इन फ्यूचर कभी जाएंगे गाइज, देखो क्या होता है। दी क्या भी आर्मी स्कूल में जॉब करने के लिए बीएड कर रही हो, कैसे क्या प्रोसेस है? तो अभी मैं आर्मी स्कूल में जॉब करने के लिए बीएड नहीं कर रही हूँ गाइज, ऐसा कुछ भी प्लान नहीं था मेरा कि मैं आर्मी ही स्कूल में पढ़ाऊँगी करके, इन देखती हूँ मैं कि आगे क्या करूँगी करके, अभी कुछ प्लान नहीं है मेरा ऐसा। आप सारी के दिन बहुत क्यूट लग रहे थे, थैंक यू सो मच। और कौन सी रेजिमेंट में है, तो ये गाइज कुछ चीज़ें ना नहीं बताई जाती, आप समझ सकती हो। सब इतने सारे कमेंट पढ़ रही हूँ ना मैं, तो मैंने कुछ कितने डिलीट भी कर दिए कि सब लोग मेरे लहंगे के बारे में, मेरे मेकअप के बारे में, जो मेरे शादी के दिन क्या था, और लांचर के बारे में पूछ रहे हैं। और इनमें से ज़्यादा कमेंट वो भी है ना कि आप अपना इंट्रो दो करके, तो गाइज इंट्रो कल के वीडियो में आएगा तो आप पक्का देखना। और दी आप बहुत क्यूट हो, बहुत अच्छे लगते हो, थैंक यू सो मच दी, आप मुझे बहुत क्यूट लगते हो। जीजू भी बहुत अच्छे हैं दी, थैंक यू सीनू दी, आप और जीजू स्वीट हो, ऑसम कपल, थैंक यू दी। बीएड पूरा करके क्या सोचोगे आगे को? जीजू भी बहुत क्यूट हैं, तो आगे को अभी यार पता नहीं क्या होता है, कुछ सोचा नहीं, अगर जॉब लग जाएगी तो आएगी। तो यहाँ पे कृष्णा आया, हाय कृष्णा, हाय नमस्ते, खुश रहो। और मम्मी खेत से आ गई और यहाँ पे चू खाए गाइज, हरे हरे चूक बना के खाएंगे इसका कल। वीडियो नहीं बढ़ा रहा आज मैं वीडियो बना। तो गाइस चूक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कल मैं और मेरी दोस्त बात कर रही थी, आज मुझे चूक मिल गए, अब कल दूँ। सो बहुत सारे क्वेश्चन है गाइस, तो कुछ क्वेश्चनों के आंसर मैं कल दूंगी, और अभी के लिए व्लॉग को इतना ही रखते हैं क्योंकि मैं बहुत कन्फ्यूज हो गई, कुछ क्वेश्चन के आंसर मैंने पहले भी दिए वो सारे मिक्स हो गए, 1000 के आसपास क्वेश्चन थे और कुछ क्वेश्चन सेम थे। तो गाइज यहाँ पे तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और आज का वीडियो भी इतना इंटरेस्टिंग नहीं बन पाया तो कोई बात नहीं, कल के वीडियो को अच्छा बनाएंगे, कल के वीडियो में मेरा इंट्रो आएगा तो कल के वीडियो को देखना। और जो नए हैं गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना, आपका एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और आपको पता है गाइज ये आईफोन का सिस्टम पता नहीं क्या है, यूट्यूब ऑन रहेगा तभी वीडियो पोस्ट होती है मेरी, या औरों का भी ऐसा ही होता है पता नहीं। तो कल मैं रात के 12 बजे तक वीडियो पोस्ट कर रही थी, जा नहीं था, नेट बहुत स्लो चला था, तो मैंने भजन लाइव चला दिया और वीडियो भी पोस्ट होती रही। तो गाइज क्या बोलते हैं, फिर सुबह देखा मैंने तो कॉपीराइट क्लेम आया था, इसलिए आज का कल का ब्लॉग बहुत लेट आया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, वीडियो लगातार टाइम पे आएंगे, लेकिन कभी कभी पहाड़ पे नेट नहीं चलता है ना, तो इसमें मैं भी क्या कर सकती हूँ। इसलिए आज मैंने पता है जितने मेरे व्यूज़ नहीं आते ना, उससे ज़्यादा मुझे डेली नेट डालना पड़ता है, कभी ब्लॉग अब पोस्ट नहीं होता, पोस्ट होगा तो कभी गलती से कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, और कभी मिनी ब्लॉग भी अपलोड नहीं हो पाते, तो कभी जियो में कभी आइडिया में मंथली रिचार्ज होने के बाद भी दोबारा रिचार्ज करना पड़ता है। तो गाइज बाय।